नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल योगा डे की। आज इंटरनेशनल योगा डे है, जैसे कि आप सभी जानते हैं साल 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब इंटरनेशनल योगा डे बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। हर कोई इंटरनेशनल योगा डे पर अपनी फिटनेस पर ध्यान देता है। केवल इंटरनेशनल योगा डे पर ही फिटनेस पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि पूरे साल वो अपने शरीर पर ध्यान रखता है। चाहे भारतीय क्रिकेट टीम की बात कर लीजिए, चाहे डेली रूटीन लाइफ में लोगों की बात कर लीजिए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह देश को संबोधित किया और उनका ये कहना था कि योगा से ही आप अपनी लाइफस्टाइल को बदल सकते हो और योगा से आप किस तरह से कोरोना से भी लड़ सकते हो। इसी को फॉलो करते हुए आज बहुत सारे भारतीय क्रिकेटर्स ने और बहुत सारे खेल के खिलाड़ियों ने योगा पर अपनी फोटो डाली, योगा करते हुए अपनी फोटो डाली और इंटरनेशनल योगा डे को सक्सेसफुल बनाने में पूरी अपनी ताकत झोंकी। आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीरेंद्र सहवाग की। जी हाँ, टीम इंडिया के ओपनर हर मामले में आगे रहता है। जब भी कोई इनिशिएटिव लेने वाली बात होती है तो सहवाग कभी पीछे नहीं हटते हैं। सहवाग ने इंटरनेशनल योगा डे पर एक वीडियो डाला। इस वीडियो में वो बैठकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें सहवाग ने एक मैसेज भी दिया है, अगर किसी से होगा तो योगा से ही होगा, बेशक देर से होगा। इसका मतलब साफ है, सहवाग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप योगा करते हैं, अगर आप रेगुलर योगा करते हैं तो आप अपनी बॉडी को किस तरीके से फिट रख सकते हैं। बेशक उसमें थोड़ा वक्त लगता है, योगा जिम की तरह इतना फास्ट आपकी बॉडी को इंप्रूव नहीं करता है, लेकिन योगा से आपको और भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। बेशक जिम से आप अपने शरीर को बना सकते हैं, लेकिन इंटरनल जो बॉडी को जो ताकत देती है वो योगा ही देती है। तो योगा पर और भी बहुत सारे खिलाड़ियों ने वीडियो डाले हैं। वीवीएस लक्ष्मण ने एक वीडियो डाला है, हरभजन सिंह ने अपनी वाइफ गीता बसरा के साथ वीडियो डाला है और उन्होंने ये मैसेज भी डाला है कि योगा जो है वो लाइफ है, योगा के बिना लाइफ बहुत मुश्किल है, लाइफ बहुत कठिन है। तो हर कोई खिलाड़ी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। मनिका बत्रा ने भी योगा डे पर एक वीडियो डाला और अपने फैंस को, अपने जितने भी फैंस हैं, टीटी प्लेयर हैं, मनिका बत्रा भारत की नंबर वन टीटी प्लेयर हैं, उन्होंने भी अपने फैंस को मैसेज डाला कि किस तरह की योगा आप अपने जीवन में ला सकते हो और अपने जीवन की सारी कठिनाइयां योगा से दूर कर सकते हो, जो शारीरिक कठिनाइयां हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपनी बेटी सारा और अपने बेटे सचिन अर्जुन तेंदुलकर के साथ मिलकर एक वीडियो डाला जिसमें वो सूर्य नमस्कार करने की कोशिश कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार करते हुए उन्होंने फोटो डाला है। तो एक बहुत सुंदर मैसेज अलग अलग खिलाड़ी दे रहे हैं। भारतीय खेल मंत्री जो है किरण रिजिजू, उन्होंने भी एक वीडियो डाला है योगा करते हुए और बहुत सारे खिलाड़ियों ने डाला है। श्रेयस अय्यर ने वीडियो डाला है, श्रेयस अय्यर भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से योगा ने उनकी लाइफ को बदला है, एक बहुत ही बड़ी चीज है योगा, उसको अपनी डेली लाइफ में सबको लाना चाहिए। वीवीएस लक्ष्मण ने वीडियो डाला है, हरभजन सिंह ने वीडियो डाला है, मोहम्मद कैफ ने वीडियो डाला है और आपको बता दें बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो लगातार वीडियो डाल रहे हैं, सुशील कुमार ने भी वीडियो डाला है। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी बॉडी को रिवैम्प कर सकते हो, अपनी बॉडी को बदल सकते हो। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये भी कहा था कि किस तरीके से आप कोरोना से योगा के साथ लड़ सकते हो, अगर आप योगा करते हैं, अगर आप नियमित अनुलोम विलोम करते हैं और सांस की एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप कोरोना को भी भगा सकते हैं, आप अपनी बॉडी को कोरोना के खिलाफ और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। तो ये थी योगा डे पर हमारी खास पेशकश। हम लगातार आपको सारी अपडेट्स देते रहते हैं जो भी खिलाड़ी करते हैं। कुछ खिलाड़ियों ने अपने फादर्स डे पर भी आज वीडियो डाले हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या ने अपने पिताजी के साथ फोटो डाला है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पिता के साथ अपनी पुरानी फोटोज डाली हैं और अपने फादर्स डे पर अपने पिता को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो योगा डे और फादर्स डे पर जॉइंट तरह का रिएक्शन आया है खिलाड़ियों का। बहुत सारे खिलाड़ियों ने योगा डे पर वीडियो डाले हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों ने फोटोज डाले हैं अपने पिता के साथ, अपने पिता के साथ मेमोरीज शेयर करते हुए। बहुत जबरदस्त तरह का एक वो था योगा डे पर और फादर्स डे पर। तो खिलाड़ी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, कुछ लोग योगा कर खुश नजर आ रहे थे, कुछ लोग अपनी पुरानी यादों को ताजा कर नजर आ रहे थे। तो आपको बता दें कि इस तरह की वीडियो हम आपको लगातार देते रहेंगे, इस तरह की अपडेट्स लगातार देते रहेंगे। हमारा चैनल नया है इसलिए हमारे चैनल को आपके स्नेह और आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और लगातार हर वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाना ना भूलें।